तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को राजनीतिक विश्लेषक और लेखक बद्री सेसाद्री को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें YouTube पर एक इंटरव्यू के दौरान मणिपुर हिंसा और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ पर कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सेसाद्री को धारा 153A और 505(1)(b) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंटरव्यू में सेसाद्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम कोर्ट करेंगे। चंद्रचूड़ को बंदूक दीजिए और उन्हें वहां भेजिए, देखते हैं कि क्या वे शांति बहाल कर सकते हैं। आगे सेसाद्री ने कहा था, यह एक पहाड़ी और जटिल क्षेत्र है और वहां हत्याएं होगी, हम हिंसा होने से नहीं रोक सकते। प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण में कहा गया है कि सेसाद्री के खिलाफ शिकायत वकील कवियार रासू द्वारा दायर की गई थी। शिकायत में वकील ने कहा कि उन्होंने 22 जुलाई को YouTube इंटरव्यू क्लिप देखी, जिसमें सेसाद्री ने सुप्रीम कोर्ट और CJI चंद्रचूड़ की आलोचना की थी। अधिवक्ता कवि अरासू की शिकायत के आधार पर पेरम्बलूर जिले की पुलिस ने शनिवार सुबह प्रकाशक को गिरफ्तार किया। वह कुन्नम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने सेसाद्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 दंगे भड़काने के इरादे से उकसाना, 153(a)(1)(a) समूहों के बीच शब्दों के जरिए शत्रुता को बढ़ावा देना और 505(1)(b) जनता में भय पैदा करने के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने सेसाद्री की गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने सत्तारूढ़ द्रमुक मुनेत्र कसगम द्रमुक पर आम आदमी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से निपट नहीं पाने पर गिरफ्तारी का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। अन्नामलाई ने ट्वीट किया, क्या सत्तारूढ़ द्रमुक का प्रतिशोधात्मक एजेंडा चलाना पुलिस की जिम्मेदारी है? ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।